इस डब्बे के पीछे मैं दिख रही हूं आपको भर के हैं, आई गेस थर्टीन एथनिक जूतीज़ फ्लैट्स ब्ला, ब्ला थिंग्स फुटवेयर्स होने वाले हैं हाई गर्स वेलकम बैक टू माय चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और प्यारे से मीशो हॉल के साथ आपकी डिमांड थी कि दी प्लीज़ एथनिक फुटवेयर जूती जुत्तीस कुछ वीडियो बनाओ ना मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि मैंने एथनिक फुटवेयर कवर नहीं करा है हील्स मैंने शायद बहुत महीनों पहले हील्स वगैरह पे बनाई थी वीडियो फिर मैं स्नीकर्स अभी रिसेंटली कवर किया है मैंने अब मैंने फ़्लैट्स कवर किए हैं इसमें एथनिक फ्लैट्स हैं बीच में एक आधे ना मैंने जो बहुत ज़्यादा ही मेरा मन कर रहा था कि नहीं मुझे ट्राई करने ग्लैडिएटर्स वगैरह मैंने ट्राई करे हैं एंड जुतीस भी हैं इसमें मतलब जुत्तीस में भी जो वेराइटी चल रही है और जो ऑक्सीडाइज जूलरी नहीं ऑक्सीडाइज फुटवेयर में भी चीज़ें आ रही है ना तो मैंने वो सब ट्राई करा है तो ये थर्टी फुटवेयर्स uh, होने वाले हैं थर्टीन पेयर ऑफ फ़ुटवेयर्स तो चलो ट्राई करते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैंने सारे के सारे फ़ुटवेयर्स ना जो इनका साइज चार्ट में फ़ाइव होता है ना मैंने वो मंगवाया क्योंकि फ़ाइव मेरा साइज़ है थर्टी एट मैं वीअर करती हूँ देखते हैं इन्होंने क्या भेजा है क्या दिखाया था क्या फ़िटिंग है कैसा मटेरियल है सब कुछ देखते हैं चलो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से गाय सबसे पहला जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में आता है वो है ये प्यारी सी वाइट मेरा वर्क वाली जुत्ती कितनी प्यारी लग रही है इसमें इतने सारे कलर थे ना मैं मेरा सच में मन था कि ना मैं एक 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 सारे कलर मंगवाऊँ लेकिन ज़्यादा हो जाता कि सेम तरीके की जुत्ती कोई नहीं पहन पाता तो मैं बेसिक वाइट पर गई क्योंकि मेरे पास वाइट जुत्ती नहीं है फाइव नाइन्टी रुपीज़ की जुती मुझे थोड़ी महंगी लगी मीशो के हिसाब से लेकिन फिर मुझे लगा वर्क वाली जुत्ती है क्या पता कैसी हो तो मैंने ट्राई किया इसलिए मैंने वाइट कलर मंगवाया है फाइव नाइनटी रुपीज़ की जुती है बहुत छोटे से बॉक्स में आया है ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। मैं जस्ट अभी नोटिस करा है कि एक इसका मिरर निकला हुआ है बस एक वो भी सेंटर में से लेकिन आप एक बार इनको पास से देखो ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है इनकी इसकी डीटेलिंग्स आप देखो मैं इसको वियर करके देखती हूँ कि कितनी ज्यादा कंफर्टेबल थोड़ी ना क्वेश्चन वाली है ये हील से देखते हैं कैसी है लुक ये कितनी प्यारी लग रही हैं मुझे ना बिल्कुल फिट आई है, आप देख सकते हो मुझे नहीं पता कि मतलब ये थोड़ी लूज़ तो होती हैं जुतियाँ तो वैसे ही बिल्कुल फिट है कंफर्टेबल भी बहुत है वरना थोड़ी लूज़ होती तो मेरे ऐसे पैर निकलता बहुत प्यारी लग रही हैं मुझे ना जुत्ती पहनने का ज़्यादा वो हैबिट नहीं है क्योंकि मेरा ना पैर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है आगे से तो मेरे ना पैर ज़्यादा दर्द होते हैं मैं बहुत कम विया करती हूँ और शू बाइट मुझे ज़्यादा हो जाती है लेकिन ये जुतियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं आप देख सकते हो इसका मेरा वर्क इसका फिटिंग इसका लुक प्रॉपर जुतियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी काइज वो जुतियाँ बहुत प्यारी थी वैसे ना मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शू बाइट होती है मेरे पूरे पैर में ना ऐसे मार्क बन चुके हैं जब भी मैं पेडिक्योर करवाती दी ना वो मुझसे हर बार पूछते क्या हुआ मैंने कहा ये शू बाइट शू बाइट शू बाइट मतलब पता नहीं क्यों सब कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम होती है मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट जो मैं पर्सनली ट्राई करना चाहती थी जुतियाँ वो है ये राजस्थानी स्टाइल की इसमें आगे ना इस पायल टाइप की लगी हुई है सबसे बेस्ट पार्ट आगे से तो जुत्ती है पीछे से ना पूरा बंद है ही नहीं आप इजीली अपना पैर डालो इजी टू वीयर पीछे शू बाइट का कोई चक्कर ही नहीं इसमें ना चार पांच कलर ऑप्शन थे अभी मैंने एक ही मंगवाया ये ब्लैक एंड रेडिश गोल्डन मल्टी कलर अच्छी लगी ना तो मैं और मंगवाऊंगी हुई टू ट्वेंटी फ़ोर रुपीज़ की है ही और ना एथनिक के साथ बहुत फुटवेयर का मेरे साथ तो बहुत लोचौता नहीं समझ आता इस पर साइज़ सिक्स क्यों दिख रहा है यार फाइव मंगवाया है मैंने लेकिन आप एक बार ज़रा देखो ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है देखो ये एक्जैक्टली सेम वैसी आई हैं ब्लैक कलर की जूती इस पर पूरा वर्क हुआ हुआ है और क्या कहती हैं आगे पायल लगी हुई है देख सकते हो आपके पीछे से कैसी है मटेरियल ठीक लग रहा है पैसों के हिसाब से मैं ट्राई करके देखती हूँ शायद ये बड़ी ना हो मुझे गाइज ये है तो साइज सिक्स लेकिन ये मुझे इतना परफेक्ट आ रहा है ना देखो उन्होंने शायद खुद ही अपने हिसाब से एक नंबर साइज़ बड़ा भेजा क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर फाइव है तो उन्हें सिक्स आएगा ये कितनी प्यारी लग रही है आप एक बार पास से देखो इनका लुक ये पूरा वर्क ऊपर ये पायल जो लगी हुई है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है ये घूमरू है लेकिन बहुत कम आवाज़ है ये बहुत प्यारी लग रही है सबसे बेस्ट पार्ट ईजी टू वेयर बिल्कुल परफेक्ट है कंफर्टेबल है सोल आप इसका देख सकते हो रेट के अकॉर्डिंग ये बहुत प्यारी लग रही है गाइस सच में बहुत प्यारी लग रही है मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ अब गाइस अब तक जो मैंने दोनों फुटवेयर्स पहने दोनों मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो दोनों मेरी तरफ से अप्रूव्ड हैं मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट है बंजारा सुल्लू इस चप्पल का नाम है दो सौ रुपये की ये चप्पल है मतलब यही मैं बताई थी कि ना ये कुछ ऑक्सीडाइज वाली चप्पल आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो मैंने मंगवा के देखी है देखते हैं दो सौ रुपये में क्या मिल पाता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मीशो धीरे धीरे ना ऑनलाइन सरोजनी बनता जा रहा है ट्रस्ट में जो लोग सरोजनी नहीं जा पाते ना मीशो ही सरोजनी बनता जा रहा है ये वो चप्पल है इसमें जो ये थमके अराउंड वाला आएगा इसमें एक ये ऑक्सीडाइज वाला चीज़ लगी है और जो एक यहाँ बैंड है इसमें ये तीन लगे हुए हैं पतले पतले हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट एक आती है बिल्कुल ही सीधी चप्पल ये हल्की सी थोड़ी कुछ है इसमें जान जो बिल्कुल ही सीधी होती है ना वो काफ़ी लोगों को नहीं पसंद होती कि है थोड़ा तो मोटा सोलो तो इसका सोल थोड़ा मोटा है लेकिन उतनी ही चीप इसकी पेस्टिंग है उन दोनों जुतियों में इतनी चीप पेस्टिंग नहीं थी लेकिन इस चप्पल की बहुत चीप पेस्टिंग है क्या पता पहन के पता ना चले दो सौ रुपये की है गाइज़ अगर दस बार भी पहन ली तो भी सही है सी चलो मैं इसको वीआर करके दिखाती हूँ आपको बस पेस्टिंग का इशू लग रहा है वैसे तो देखने में बहुत प्यारी ब्लैक कलर की लग रही है चलो ट्राई करती हूँ गाइज आप ये वाली स्लिपर देखो पहनने में बहुत कंफर्टेबल है इजीली मैंने इसको इजीली मैंने इसको पहन लिया बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं लेकिन मुझे ना पाँच नंबर थोड़ा छोटा लग रहा है देखो पीछे से मेरा पैर थोड़ा बाहर निकला हुआ है बिल्कुल आगे करूँगी तो ना स्ट्रैप पे पर बहुत खिंच रहा है शायद आप थोड़ा साइज़ अप कर सकते हो अगर आपको ये साइज़ परफेक्ट लग रहा है तो आप अपनी साइज़ का मंगवा सकते हो मुझे स्लीपर ठीक लग रही है लेकिन मुझे ना इसकी पेस्टिंग बहुत ज़्यादा चीप लग रही है ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम में थोड़ा सा पानी वानी में जाने में इसकी पेस्टिंग वगैरह खुल जाए बाकी तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि कैसी है ये प्यारी लग रही है बहुत वैसे सरोजनी वगैरह पे ऐसी चप्पलें बहुत मिल जाती हैं और कभी कभी एक आध दिन पहनने के लिए कुछ मैचिंग मैचिंग एथनिक सूट वगैरह के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी हाँ तो मैं यही बता रही थी कि मुझे पेस्टिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कितने दिन चले क्या है बस वो पेस्टिंग चीप लग रही है और ऐसी सेम सेम ऐसी काइंड ऑफ़ स्लिपर्स आपको सरोजनी जनपद यहाँ वहाँ देखने को मिल जाएंगी और प्राइस वो लोग ढाई सौ का देते हैं यहाँ पे दो सौ चौबीस रुपये के आसपास का मिल रहा है क्या पता वहाँ दो सौ डेढ़ सौ की भी हो पता नहीं लेकिन यहाँ आपके सामने और कभी कभी एक आधी सिंगल कुर्ती के साथ कभी कभी वेयर करना हो तो कोई बुरी नहीं है बहुत अच्छी लग रही है ये नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट जो हाई चप्पल है वो भी टू ट्वेंटी एट रुपीज़ के इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन थे लेकिन मोस्टली ना सारे या तो पेस्टल्स थे या एक ब्राउन था ब्लैक था तो मैंने सोचा पेस्टल्स में बस बहुत सारे कलर हैं रेडिश मरून कलर का फ्लैट नहीं है मेरे पास इसलिए मैंने ये मंगवाया है लेट्स सी कैसा आता है साइज़ थर्टी एट देखने में तो सही लग रहा है आप देखो पहन के बताती हूँ सब कुछ कंफर्ट वग़ैरह वैसे तो बिल्कुल एक्जैक्टली exactly सेम आया है गए एज यू कैन सी इसके स्ट्रैप्स बहुत टाइट है मुझे ना लिटरली ऐसे ऐसे करके पैर आगे करना पड़ रहा है शायद अभी टाइट है बाद में ढीले हो जाए और शायद आपको एक आवाज़ भी सुनाई दे रही हो इसमें से देख सकते हो आप ये मुझे क्या क्या फिट आ रहा है थोड़ी छोटी मुझे पूरा आगे करना पड़ा बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है मुझे बाकी तो पूरा सेम एक्जैक्टली exactly वैसे ही है रेड कलर की अजीब सी चलने में ये साउंड कर रही है शायद आपको ना सुनाई दे शायद अब सुनाई दे अब आइए आप इसकी साउंड बहुत अच्छे से सुन सकते हो कैसी आ रही है मुझे ना ये ज़्यादा समझ नहीं आ रही है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं लग रही है क्योंकि इसकी आवाज़ बड़ी गंदी लग रही है रिटेटिंग लग रही है और ये मुझे टाइट है और मुझे लगता है ज़्यादा खींचेगी तो इसकी पेस्टिंग निकल भी सकती है हेम डाइसी आप देख सकते हो अगर आपको फिर भी चाहिए है एक आधा कलर अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए तब आप देख सकते हो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ जो नेक्स्ट हमारी फ्लैट है ना वो इस हॉल की सबसे सस्ती फ्लैट होने वाली है वो सिर्फ वन हंड्रेड की है ये बहुत बेसिक है और बहुत ट्रेंडी है बहुत स्टाइलिश है और ये सब पे चली जाती है मतलब जीन्स पे पहन लो जम पे पहन लो स्कर्ट पे पहन लो ट करती है बेसिक ब्लैक कलर की है ये और सिर्फ की तो, तो मेरा मन था मंगवा के देखते कि क्या क्वालिटी आई कैसी रहती है क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि अगर ये अच्छी निकलती है तो तो देखते हैं ये है कैसी ओके सो so गाइज देखो जो फ्रंट पार्ट है ना इसका लाइक फ्रंट स्टेप वो ऊपर से देखते हमें इलास्टिक टाइप वाला है लेकिन पीछे इसके कोई मटेरियल लगा हुआ है तो ये चीज़ तो इलास्टिक वाला बिल्कुल नहीं है जो पीछे इसका ये क्रॉस पैटर्न आया है ये पूरा इलास्टिक वाला है इसका जो पीछे आपका यहाँ पे आएगा ये भी पूरा इलास्टिक वाला है आप इसकी थिकनेस देख सकते हो कितनी है बस इसकी पेस्टिंग काफ़ी चीप लग रही है क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सस्ती है तो पेस्टिंग तो चीप होगी बस ये है मुझे कि ये ना पहनने में खुल ना जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी खुलेगी वन ट्वेंटी के हिसाब से मैं पहन के इसका फिट एंड लुक देखती हूँ मुझे लगता है कि काफ़ी सही लगेगी थर्टी साइज़ तो उन्होंने दिया है बिल्कुल ही फ्लैट है और अभी तो बहुत अच्छे से चिपक रखा है ऐसा तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि पेस्टिंग जल्दी निकलेगी जब तक पेस्टिंग निकलेगी मुझे ऐसा लगता है वन ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ अपने वसूल कर लोगे चलो पहन के देखती हूँ कैसी लग रही है गाइस ये स्लिपर बहुत अच्छी लग रही है मतलब वन ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ की ये स्लिपर इतनी कंफर्टेबल इसको पहनना आप देखो ये पूरा इलास्टिक है तो जितना मेरा पैर खींचे होती है इलास्टिक खींचे और बहुत ज़्यादा टाइट इसकी इलास्टिक नहीं है बिल्कुल फ्लैट है और काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे ये चप्पल आप इसका सोल भी देख सकते हो बैक से हाँ थोड़ी पेस्टिंग थोड़ी ख़राब है ऑब्वियसली वन ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ की लेकिन ऑल ओवर कंफर्ट में ये स्लिपर मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ मेरी पर्सनल फेवरेट है मुझे फोटो में देख के इतनी प्यारी लगी थी ना इसमें तीन कलर था एक वाइटिश क्रीम एक पिंकिश और एक येलो मैंने येलो मंगवाया क्योंकि मेरे पास मोस्टली एथनिक वेयर येलो में है ये तीन सौ नौ रुपए की चप्पल है आप एक बार देखो इसको ये कितनी ज़्यादा प्रटी लग रही है आप इसकी डिटेलिंग्स देखो ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है इसकी स्टिचिंग कितनी सुंदर है आप इसका सोल देखो कितना अच्छा है काफ़ी कुशंड है बहुत ज़्यादा पतला नहीं है आप इसे दबा के भी देखो और सही लग रही है मुझे फ्लैट और इसकी पेस्टिंग वगैरह भी ठीक हो रखी मतलब बहुत ज़्यादा प्रटी लग रही है एंड बेस्ट पार्ट क्या है ये ना आप अपनी मम्मी बुआ मामी चाची को भी गिफ्ट कर सकते हो वो बहुत खुश हो जाएंगी क्योंकि बहुत प्यारी लग रही है ये फ्लैट चलो मैं इसको व्यय करके देखती हूँ कहीं से चुभ तो नहीं है ना मैंने इतने अच्छे अच्छे तो बोल बोल दिए हैं इसके लिए कितना कम्फर्ट है ये भी मैं आपको जल्दी बताती हूँ गाइस जितनी तारीफें की थी मैंने इस चप्पल की पूरी वर्थ है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में प्लस आप इसका लुक भी देख सकते हो इसका साइज इसका फैट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे एंड कलर तो मुझे काफी अच्छा लगी रहा था चीजों पे चला जाएगा हम दोनों फाइव बियर करते हैं और आप देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है सी इसकी पूरी पेस्टिंग और सब कुछ आप देखो चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस नेक्स्ट जो है ना वो हमारी जुती है लेकिन आपको जो पिक्चर में जूती दिख रही है ना अब ये क्रीम कलर की पहले ये सेम जूती ना पीच कलर की थी जब मैंने ऑर्डर की थी इसको ये टू हंड्रेड थर्टी थ्री रुपीज की जूती है बिल्कुल सेम बस मैंने पिंक कलर ऑर्डर किया था अब यहाँ पे इन्होंने वाइट कलर का डिस्प्ले लगा दिया है बस कलर का डिफरेंस है देखते हैं कैसी आई है गाइज ये पंजाबी जूती ना बिल्कुल आ, बैली स्टाइल में क्योंकि जो पंजाबी जुत्ती होती है ना उसमें आप देखो फ्रंट यहाँ से आके यहाँ मिल जाता है ये यहाँ से आके यहाँ मिल जाता है जो ये सेंटर पार्ट होता है बिल्कुल वहीं से जहाँ से ये बेंड होता है अब ये क्या है ये बैली स्टाइल वाली जुत्ती है इसमें बस एक ड्रॉबैक होता है कि आप जहाँ से अपना पैर मोड़ रहे हो ना बस ये वहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाती है बाकी अगर बात की जाए इसकी सुंदरता की तो ये बहुत ही प्यारा बेबी पिंक कलर है इस पर पूरा थ्रेड वर्क हुआ हुआ है बहुत अच्छी लग रही है पेस्टिंग भी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत सही है और ये सॉफ्ट भी बहुत है सोल इसका हार्ड नहीं है बस एक ही ड्रॉबैक लगा कि पंजाबी जुत्ती वाला फील बस उससे आ जाता अगर ये पूरा ऐसे क्रिस क्रॉस होती तो बाकी मुझे और कोई दिक्कत नहीं है मैं इसको पहन के देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो क्योंकि लूज़ हो जाती हैं जुतियाँ पहनते, पहनते पहनते लेकिन जब आपको पहननी बहुत दिनों बाद एक बार दो बार हो तो फिर वो टाइटनेस फील होती है तो शू बाइट भी हो जाती है तो चलो देखते हैं कैसी लगती है गाइज ये बैली स्टाइल वाली जुत्ती इतनी कंफर्टेबल है ना मतलब जूती से ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लग रही है ये आप इसका पूरा लुक देखो इसका फ़िट देखो इसका आप सोल देख सकते हो मतलब मैंने सब कुछ तो पहले आपको डिटेल में बता ही दिया है बस बात बची है फिट एंड कंफर्ट की ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मतलब बहुत कंफर्टेबल है शू वाइट वाला सीन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अभी तक ज़रा भी मुझे कहीं से चुभ नहीं रही है एंड बहुत प्यारी लग रही है इसका कलर बहुत प्यारा है तो या थम्स अप फॉर दिस वन नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी फ्लैट है ना गाइज़ वो एथनिक फ्लैट तो नहीं है वो ग्डिएटर्स है लेकिन मेरा मन था कि मैं ट्राई करूँ क्योंकि मैंने ग्डिएटर्स मिंत्रा से लिए थे ब्लैक कलर के जब मैं दुबई गई थी मेरे पास ब्राउन कलर के बहुत पहले थे अभी भी वो पड़े हैं जिंदा हैं वो लेकिन पता नहीं कहाँ हैं तो मैं सोचा यहाँ से भी मंगवा के देखी तो मैंने ब्राउन ट्राई करे इसमें तीन कलर ऑप्शन हैं क्रीमिश वाइटिश ब्लैक ब्राउन ये ढाई सौ रुपये की हैं तो देखते हैं कैसी आई है क्या मटेरियल है है क्या स्टफ तो ये वो है चप्पल आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट है और ये काफी लंबे हैं यार मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने ज्यादा लंबे आएंगे तो आराम से काफ के ऊपर तक आपका ट्विस्ट रोल हो हो के ऊपर चले जाएंगे। फ्रंट आप देख सकते हो कि फ़्रंट में ये ऐसे दो क्रिस क्रॉस हैं ये अपने अकॉर्डिंग आपको जितना टाइट करना है टाइट कर सकते हो दीज़ आर परफेक्ट फॉर बीच मैं सच बता रही हूँ ऐसी बीच वगैरह जाना हो और आपकी कोई ड्रेसेस हो उनके साथ ही बहुत परफेक्ट लगती मैं तो ऐसी ग्लैडिय ग्लैडिएटर्स पहन के वहाँ गई थी सफारी में डेज़र्ट सफारी में तो मैंने इसको पहना था अपने शॉर्ट्स के साथ काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था इसको मैं पहन के देखती हूँ वैसे तो काफ़ी सही लग रही है पेस्टिंग वगैरह भी अच्छी लग रही है और ये ना फ्लैट्स में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं बहुत कम्फर्टेबल होते हैं चलो देखते हैं इसे पहन के कि ये कैसा लग रहा है गाइज देखो ये कुछ इतनी लेंथ में बंध रहे हैं मैंने ना काफी लूज बांध है क्योंकि मैं बैठ के बांध रही थी तब टाइट हो गए तब खड़े होने पे लूज हो गया आप इसका लुक देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है मुझे अब मुझे था कि बस ये यहीं तक क्योंकि काफी ऊंची लेंथ में ये आ गए हैं हाँ कंफर्टेबल भी है ये फ्लैट है बहुत स्मूथ बहुत स्मूथ कर बहुत सॉफ्टेस्ट का सोल है बुरे नहीं लग रहे हैं काफ़ी सही लग रहे हैं तो आप इनको देख सकते हो ऐड कर सकते हो अगर आप ढूंढ रहे थे कुछ ऐसी स्लिपर्स तो आपको ये मीशो पे मिल जाएंगी इस तरीके की सैंडल्स काफ़ी सही लग रही हैं मुझे बाकी चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ सो so नेक्स्ट जो हमारी फ्लैट है ना वो भी बहुत ही प्रिटी ट्रेंडी ऑक्सीडाइज और ज्वेलरी वाली फ्लैट है हमारी इसमें भी चार कलर थे चारों मल्टी कलर थे लेकिन एक पर्टिकुलर काइंड में कि एक ब्लैक रेड का मल्टी कलर एक सारे पेस्टल कलर का मल्टी कलर जो मैंने मंगवाया ना वो ब्लूइश ग्रीनिश वाला मल्टी कलर था लेट्स सी कैसा आता है मुझे इन वाली स्लिपस का काफ़ी ज़्यादा क्रेज हो रखा है देखो कितने प्यारे नियॉन कलर्स हैं स्लिपर के और सबसे बेस्ट पार्ट है स्लिपर का ये जो पूरा इनका डिटेलिंग में ये दिया हुआ है ना ऑक्सीडाइज बस यही इसका सबसे सुंदर पार्ट लग रहा है आप देखो इसका थिकनेस काफ़ी अच्छी थिकनेस है मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है और ये बहुत अच्छे से दब भी रहा है उतना हार्ड नहीं है अब इसको पहन के देखती हूँ कितना ये कंफर्टेबल है ये ऑक्सीडाइज वाला पार्ट चुभ तो नहीं रहा है दोनों देखो आप साथ में कलर बहुत अच्छा है ऐसे ऐसे फ्लैट्स ना जीन्स वगैरह पे भी बहुत अच्छे जाते हैं चलो इसको ट्राई करके देखती हूँ तभी कुछ मैं आपको रिव्यूज़ बताती हूँ लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग ये कैसे लग रहे हैं गाइस यार ये मुझे इतनी चुभ रही है ना जैसे मैं थोड़ा बहुत भी अपना थम ऊपर कर रही हूँ फिंगर ऊपर कर रही हूँ ये पूरा इस पर लग रहा है ऐसे चलने में भी आप देखो अगर मैं चल रही हूँ ये मुड़ रही है तो मेरे सीधा थम में लग रही है नेल में लग रही है मेरी नेल पेंट भी खराब हो गई ये बिल्कुल अच्छी नहीं है मतलब देखने की जो सही लग रही थी ना सोल इसका कंफर्टेबल है लेकिन इसकी प्लेसिंग अगर ये थोड़ा पीछे करते तो ज़्यादा बेटर रहती ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही क्योंकि कंफर्ट नहीं है तो कहाँ से अच्छी लगेगी बाकी आप सोल देख लो इसका पूरा लुक देख लो लेकिन ये बिल्कुल अच्छी नहीं है बहुत चुभ रही है चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी स्लिपर है ना वो आप देखो ये है स्लिपर सैंडल हमारी दो कलर थे इसमें ब्लैक एंड बेज मैंने बेच मंगवाया है अब पिक्चर एक बार ध्यान से देखना कितनी प्रटी जींस पहनी है उसने इसके साथ राइनस्टोन वाली मुझे लगा मीशो पे ऐसी जीन्स भी मिलेगी क्या चलो एनी वे पार्ट आप एक बार चप्पल देखो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही थी मुझे था ऐसे राइन स्टोन चिपके हुए आएंगे भी या फिर से स्पार्कल थोप के दे देंगे तो चलो देखते हैं कैसी आई है देखो ये है वो स्लीपर और एग्जैक्टली exactly सेम वैसी आई है आप इसका पीछे से पहले सोल देखो थिकनेस देखो आप इसके सोल की और आप देखो कितनी प्यारी लग रही है ऊपर से ये बो और जो ये ड्राइंग स्टोन की दो स्ट्रैप आ रही हैं बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं बिल्कुल सेम लग रही हैं और ऐसी स्लीपर्स ना आप जीन्स वगैरह के साथ भी कैरी कर सकते हो कुर्ती जीन्स पहनिए तो आप कैरी कर सकते हो बाकी तो ये काफ़ी सही लग रही है मैं विया करके देखती हूँ कि इतनी कितनी कम्फर्टेबल है कैसा इसका फिट है पेस्टिंग वगैरह भी काफ़ी सही लग रही है मतलब जैसा पिक्चर में दिखाया था ना एग्जैक्टली वैसी ही रिसीव हुई है मुझे ये चलो पहन के देखते हैं गाइज देखो एक बार ये कितनी प्यारी लग रही है इसका जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्टली सेम exactly वैसी है इसका फिट भी काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हो और इसका पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ्लैट में ये पैटर्न में इसका फिट इसका कलर इसके राइन स्टोन्स कितने प्यारे लगे हैं आप ये देखो तो मेरी तरफ से इसके लिए तो थम्स अप है मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ गायज हमारी नेक्स्ट वुमेन फ्लैट है वो है टू हंड्रेड थर्टी फोर रुपीज़ की <laughs> अब बताती हूँ गाइस अभी हुआ क्या मैं अभी छह चप्पलें दिखा चुकी हूँ और उसके बाद हमें नोटिस करा कि माइक तो पता नहीं किस दुनिया में पड़ा है और वो छः की छ वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है ना वो बिल्कुल बिना आवाज़ के रिकॉर्ड हुई है अभी मैं इतना रिग्रेट कर रही हूँ ना कि ऐसा पकअ मेरे साथ क्यों होते हैं अब मैं दोबारा सेम चीज़ दोबारा पैक करके शूट कर रही हूँ मुझे ना बहुत खिज मच रही है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में फ्लो में आप बिल्कुल जेनविन और बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हो वही चीज़ मुझे रिपीट करनी पड़ रही है अब मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे क्या फ्लो में बोला था चलो एनी ये वो चप्पल है ग्रीन कलर की इसमें चार पांच कलर ऑप्शंस थे ग्रे मरून ब्लैक और बेज मैंने ग्रीन वाला मंगवाया काफ़ी प्रटी लग रही थी टू थर्टी फोर रुपीज़ की यह चप्पल है मुझे था कि इसमें राइन स्टोन दिख रहे हैं ऐसा ना हो कि ना इसे चमकीली बिल्कुल ही चीप चमकीली चिपकी हुई आ जाए लेकिन इसमें पूरे लाइन स्टोन पेस्ट हुए हैं आप देखो ये चप्पल कितनी अच्छी लग रही है फ्लैट है लेकिन बिल्कुल फ्लैट नहीं है आपको थोड़ी सी हील मिल जाएगी क्वेश्चन वाला सीन भी है और आप देखो मैंने जो बोला था आपको बहुत प्यारे राइन स्टोन मिलेंगे इसको और ये थम वाले एरिया में भी आपको बहुत अच्छे से राइन स्टोन मिलेंगे कलर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है बस पहन के मुझे देखना है इसका फिट की कहीं से चुभ तो नहीं रही है छोटी तो नहीं है कितना क्या कंफर्ट है बाकी पेस्टिंग वगैरह मुझे ठीक लग रही है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सही है चलो पहन के देखते हैं गाय ये स्लीपर अब पहन के मुझे कुछ समझ नहीं आ रही शायद मुझे मेरे पैरों पे इतनी सुंदर ना लग रही हो लेकिन ये कंफर्टेबल उतनी नहीं है मुझे थम एरिया से बहुत ज़्यादा चुभ रही है मतलब थम होल बहुत छोटा लग रहा है मुझे और लेंथ आप देख सकते हो बिल्कुल ही फिटेड है बिल्कुल फिट मेरा फाइव नंबर और ये साइज़ आ रहा है और मेरे पैर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं आगे से तो मुझे अपने पैरों पे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है ट्रस्ट ट्रस्पी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही बहुत गंवार सी लग रही है सच बताऊँ तो मैं नेक्स्ट ही पहन के दिखाती हूँ मैं क्या बोलूँ इसके बारे में पेस्टिंग वगैरह आप देख सकते हो कैसी लग रही है ना मुझे अच्छी नहीं लग रही अपने पैर पे नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी जुत्ती मोजरीज हैं वो सिर्फ डेढ़ सौ रुपये की हैं ब्लैक कलर की बहुत प्यारी लग रही थी इसमें चार कलर के ऑप्शन थे एक मतलब ब्राउनिश था एक पिस्ता ग्रीन एक वाइट मैंने ब्लैक कलर का मंगवाया क्योंकि ब्लैक पे ये गोल्डन थ्रेड वर्क बहुत ही सुंदर लग रहा था देखते हैं कैसी आई है गाइज मैं ये बोल रही थी देखो जो ये वाला कट होता है ना कि फ़्रंट पार्ट यहाँ से आ रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है और यहाँ से बिल्कुल अच्छे से बैंड हो रही होती है मैं इसकी बात कर रही थी ये डेढ़ सौ रुपये की है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मुझे क्योंकि इसकी पेस्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है बहुत ही ज़्यादा इसकी चीप पेस्टिंग है आप फ्रंट से भी देखो ना आपको दिख रहा है ये वाइट वाइट सा ये निकला हुआ एक्स्ट्रा निकला हुआ ये तो बहुत ही बुरी लग रही है मतलब डेढ़ सौ रुपये की उन्होंने बना तो दिया लेकिन ना कटिंग वगैरह बहुत नीट एंड क्लीन नहीं है फिर वही ना मेहनत कम लगी है और मुझे लगता ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर चलेगी मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ इनको लेके कहीं से भी नहीं अच्छी मतलब सस्ती चप्पलें हमने इस हॉल में और भी देखी लेकिन वो इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से नहीं थी नीट एंड क्लीन तरीके से बनी हुई थी ये उतनी ज़्यादा बेकार लग रही हैं मुझे उतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई हैं फिर भी मैं इसे पहन के इसका फिट लुक सब कुछ बताती हूँ कितना कम्फर्ट है मैंने जैसा बोला था ये देखने में अच्छी नहीं है पहनने में भी कम्फर्टेबल नहीं है बहुत टाइट है मेरे आगे से पैर बहुत ब्रॉड है तो ये अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही है मुझे इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है जब मुझे कहीं से अच्छी नहीं लग रही है तो अब इग्नो फॉर दिस वन क्योंकि ना क्वालिटी अच्छी है ना पेस्टिंग अच्छी है आप ऊपर से मटेरियल में देख सकते हो कि कुछ कुछ हो रहा है सलवटें सी आ रही हैं नो फॉर नो फॉर <laughs> no, no, side, me, <laughs> नहीं मतलब ये अच्छी नहीं है गाइज नो फ्रॉम माई साइड चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ लास्ट जो हमारी फ्लैट स्लीपर है वो है ये मैंने इसको ब्राउन कलर का मंगवाया इसमें तीन कलर थे एक ये पीच और एक ग्रे एक ब्राउन ये टू सिक्सटी सिक्स रुपीज की है गाइज अब जब ये मेरे हाथ में है ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेम पीच कलर मेरे और विनी के पास था और जब हम वृंदावन आगरा गए थे आज से डेढ़ दो साल पहले ज़्यादा ही शायद दो साल पहले तब हम लोगों ने हम दोनों ने सेम स्लीपर पहनी थी पीच कलर की अब उसी का ही मैंने ब्राउन कलर मंगवाया तब पिक्चर में देख के याद नहीं आ रहा था अब सामने देख रही हूँ तो याद आ रहा है ये सेम अभी भी रखी होगी मेरे पास वो पीच कलर क्योंकि इसके जो ये वाला स्टैप था ना उसमें नियॉन कलर थे और ऐसे छोटे से टेसल्स वगैरह निकले हुए थे ये सेम वही चप्पल है सोल आप देख सकते हो पेस्टिंग पूरी दिख रही है फ्लैट्स में ऐसी पेस्टिंग दिखती ही है जो बहुत ज़्यादा चीप होते हैं उनमें आ, मतलब इस रेंज वाली में अगर आप थोड़ी ब्रांड्स जाओगे और महंगी पंद्रह पंद्रह सौ दो 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 हज़ार की होगी उसमें ऐसे पेस्टिंग नहीं दिखती है बाकी मुझे काफ़ी ठीक लग रही है क्योंकि मैं ये पहन चुकी हूँ क्योंकि हमारे अटायर से मैच हो रहा था तो हमने ली थी और हमने पहनी थी और इनको भी मैं आपको काफ़ी सारे मेरे एथनिक लुक्स में आप मुझे पहने हुए देख लोगे क्योंकि एक दिन में अगर कुछ अटायर पे मैच हो रहा है तो मैं डेफ़िनेटली पहनूंगी उनको और इसको भी मैं पहन के देखती हूँ क्या इसका फिट रहता है कहीं से चुप तो नहीं रही है और सब कुछ आपको इसके बारे में डिटेल्स बताती हूँ गायज ये स्लिपर बिल्कुल वही इसका फिट है कंफर्ट है बहुत सही लग रही है और इसमें नियॉन स्ट्रैप देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है परफेक्ट इसका साइज़ है बहुत न्यूड लग रही है तो मेरे पैरों पर और बहुत सही लग रही है मुझे क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल है सोल भी काफ़ी सॉफ्ट है ऐसे मोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है पेस्टिंग भी ठीक लग रही है मुझे ओवरऑल ये स्लिपर मुझे काफ़ी सही लगी तो थम्स अप फॉर दिस वन सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो आई होप आपको मेरी चॉइसिस पसंद आई होंगी आई होप आपको कुछ आर्टिकल्स अच्छे लगे होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा फ्लैट्स अच्छी लगी या जुतियाँ अच्छी लगी या पर्टिकुलर कौन सा आर्टिकल अच्छा लगा कमेंट जरूर करना मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो चलो मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय लव लव्या